मंटू जी बताइए ना कौन है। हाँ मंटू, तो मिल गई तुम्हें मैडम नूरजहां, वरना तो तुम यहाँ कभी चक्कर भी नहीं लगाते। मंटू जी आपका सीक्रेट। बस शौकत, जिंदगी के झमेले और बखेड़े ही इतने हैं। स्टूडियो काफी अच्छा बनाया तुमने और बहुत बड़ा भी है। नई फिल्म की शूटिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, एक डेढ़ महीने में फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। तुम बताओ कैसे आना हुआ? मैडम को इनके एक आशिक से मिलवाना है। क्या अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? तुम तो खासे अपसेट हो गए शौकत। बंबई में तो खासा लिबरल नहीं हुआ करता था नूर? हाँ जी मंटो जी। क्या करूं मंटो, वक्त और हालात काफी कुछ बदल देते हैं। खैर मैं सेट पे जा रहा हूं, यहां पर किसी को अपसेट नहीं करना चाहता। सीधी तरह बताइए ना मंटो जी, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? कौन है वो? मेरी साली और मेरे भांजे का बेटा ताको, उम्र 4 साल। निकलिया जुआ। आशिक है तेरा, अखबारा जो तेरी फोटुआ कट कट के साम के रखता, चुमदा उन्होंने अदी कल साल गिरा है। कह रहा सी मैडम नूर जहां नू बुलाओ, मैं वादा कर ले। आएंगी? कोशिश करांगे मंटो जी, जे तुहाडे शौकत साहब ने मैनू इजाजत दी। ऐ बाकी कमाले भी शौकत साहब दी इजाजत लेनी पैंदी है। बड़ी चीज हो मंटो जी तुसी भी ना। चलो प्रोफेसर साहब। कहाँ से आ रहे हैं? नूरे जहां से मिलकर। अरे वाह मंटो साहब, पब्लिक में या तन्हाई में? मैं तन्हाई में मिलने वालों में से नहीं हूं। मैं जानता हूं, तुमने तो मुझसे भी नहीं सीखा। कैसा जा रहा है शानूर का काम? अच्छा जा रहा है, बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया उन्होंने और काम भी बहुत है उनके पास। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं? हाँ मेरे लिए नहीं। यहाँ की फिल्मी दुनिया बहुत अजीब, बहुत छोटी, लोग भी बहुत छोटे। यहाँ कोई श्याम, कोई अशोक कुमार, कोई कृष्ण चंद्र मुखर्जी, कोई नहीं है। वैसे मंटो साहब, आपको बम्बई नहीं छोड़ना चाहिए था, वहाँ आपका बहुत नाम था और आपका करियर भी टेक ऑफ कर रहा। हाँ बम्बई मुझे बहुत पसंद था। बम्बई में मेरे बहुत दोस्त थे, मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा वहां। लेकिन फिर उस खुले दिल वाले बम्बई में मुझे तंग नजरी नजर आने लगी। वहां तो आर्ट और टैलेंट की बहुत कदर थी। नहीं अनु, फिल्मिस्तान फिल्मिस्तान ना रहा था, बम्बई टॉकीज ना रहा था, वहीं तो मेरा दिल टूटा था जब मेरे प्यारे दोस्त श्याम ने मुझे अपने दिल के अंदर फिरका वाराना नफरत की चलती हुई आग की चिंगारियां दिखाई थी। श्याम ने? हाँ
ये कौन मेरे कान में कहता है ये दुनिया एक चौराहा है, अपना भांडा इसमें क्यों फोड़ती हो? याद रख, तुझ पर उंगलियां उठेंगी, ये उंगलियां उस पर क्यों ना उठें जो तुझे इस चौराहे पर छोड़कर चला गया? ये किसका आंसू मेरे सीप में मोती बन रहा है? जब सीप का मुंह खुलेगा और मोती मचल कर बाहर चौराहे में गिर पड़ेगा तो उंगलियां उठेंगी। मेरे अंदर खाई में सोना पिघल रहा है, धोंकनियां चल रही हैं, शोले भड़क रहे हैं, कोई आ रहा है, चूल्हों पर दूध उबल रहा है, मेरी बाहें खुल रही हैं। लाओ इस गोश्त के लोथड़े को मेरे दिल के थनके हुए खून के नरम नरम गालों पर लिटा दो, मत छीनो इसे, मुझे जुदा ना करो, खुदा के लिए मुझे जुदा ना करो। आज मंटो ने मेरे अंदर छुपे हुए आंसुओं के सैलाब को आजाद कर दिया। आज मुझे वो लफ्ज मिले जो मेरे दुख को बयान कर सके। मैं आज पहली बार अपने बच्चे के लिए खुलकर रोई हूँ। ये बोझ मेरे सीने पर पत्थर की तरह पड़ा था, आज ये बोझ हल्का हुआ है। क्या हो गया नाजो? किसी ने कुछ कहा है? पता कौन कुत्ते का पिल्ला था, वो हरामखोर इंस्पेक्टर या कमीना ठेकेदार? नाजो जवाब दे नाजो, बेटा बोलती क्यों नहीं है? इस मंटो ने तुझे रुलाया है? अरे है क्या इस घटिया किताब में? मेरा बच्चा। बच्चा? माँ, छीन के ले गए वो उसको मुझसे। अम्मा मैं चीखती रही, मैं रोती रही, मैंने लाख मिन्नतें की उनसे, मेरी एक ना सुनी किसी ने। अम्मा मेरा बच्चा। अरे बेटी संभाल अपने आप को, तेरे साथ तो ज्यादती की गई, तुझे अकेला सड़कों पर उड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। नाजो मैं जिसे उसकी मांग करता है मेरी गोद से पुकारती है, अम्मा मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्या हो गया नाजो? बस कर, बस कर नाजो, बस कर। मंटो साहब आप भी कुत्तों से डरते हैं? कुत्तों से ज्यादा इंसानों से डरता हूँ कलीम साहब, लेकिन शहर में ये आवारा कुत्ते कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए? हाँ हो तो गए हैं, बंटवारे के बाद जो लोग सरहद पार गए वो अपने कुत्ते यहीं छोड़ गए। ज्यादती हुई कुत्तों के साथ, इन्हें भी वही हिंदुस्तान भेज देना चाहिए ताकि अपने आकाओं की खिदमत कर सके। तजवीज़ तो माकूल है, मगर ये कैसे पता लगे कौन सा गैर मुस्लिमों का है कौन सा मुसलमानों का? ये बात भी ठीक है, इसके लिए तो कोई तरकीब वजा करनी पड़ेगी। चलें कलीम साहब। चले। स्कूल की तैयारी है? वाह आज शहर पे गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए?
भाई मैंने सोचा कि तुम लोगों को स्कूल के लिए तैयार होना होगा। अब्बा आज ताको की सालगिरह है, आपको याद है ना? बिल्कुल याद है, जब ये स्कूल से आएंगी तो फिर शाम को ताको की सालगिरह खूब धूमधाम से करेंगे। ठीक है चलो अब स्कूल के लिए निकलो, अज्जू कहाँ है? बल्कि काम करते हैं, आज निक्की और नुसी को अब्बा और नुच्छी स्कूल छोड़ने जाएंगे। ठीक है चलो स्कूल चले। नुच्छी भी स्कूल जाने लग जाएगी है नुजी, इसको कौन सी क्लास में भेजेंगे? नर्सरी में, और नर्सरी में होमवर्क भी मिलता है और क्लास वर्क भी करना पड़ता है ध्यान से। चलो आइए तशरीफ रखिए। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत तो चल रही है, ठीक है। वसीम अरे वो संदल वाला शरबत लेके आना। कहिए कैसे तकलीफ की? अरे तकलीफ हमारी थी इसलिए हम खुद आ गए आपके पास, दस्तावेज लाए आपको दिखाने के लिए। दस्तावेज? कैसे दस्तावेज? ओए देखा ये ऊपर वाली किताबें दिखा, ये वो किताबें जो हाल ही में छपी हैं और इन पे मुकदमा चल रहे हैं, इसे मैंने निशानात लगाए, मार्किंग की हुई है। बहुत बेहतर जनाब। वसीम हाँ ये रख दो, और ये फाइलें और ये किताबें ले जाओ। चौधरी साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करूँगा। मगर कार्रवाई संजीदा होनी चाहिए, कागजी कार्रवाई मचनी चाहिए। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हमने फौज किताबें छापने वालों और बेचने वालों के खिलाफ एक मुहिम का आगाज कर दिया है, असली फौज किताबों के खिलाफ। असली फौज किताबें क्या मतलब है? क्या नकली किताबें भी होती हैं फौज? अरे चौधरी साहब वही कलीज और वाहियात किताबें जो मार्केट में धड़ाधड़ बिक रही हैं और किराए पे दी जा रही हैं। वो किताबें तो हिंदुस्तान में छपती हैं। ओ चौधरी साहब यही तो घोसला है जी, सब किताबें इधर ही छपती हैं, बस पब्लिशर के नाम की जगह पर वो दिल्ली और लखनऊ लिख देते हैं जी। इसी बात का तो फायदा उठा रहे हैं, बाज बहुत मौजज लिखने वाले जाली नामों से ये किताबें लिख रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। चौधरी साहब बड़े मुनाफिक लोग हैं जी, और कम से कम मंटू और इस्मत जो भी लिखते हैं अपने नाम से तो लिखते हैं ना जी। हाँ लिखते हैं, बेहूदगी फहाशी और यानी ये उनकी जदीदियत और तरक्की पसंद जहनियत। सुना है बड़ी शोहरत हो गई है उनकी, अमरीकी सिफारतकार जाके उनके घर पे खुद मिलते हैं। ओ अच्छा तो ये गैर मुल्की साजिश है, यानी इसका मतलब है कि अमरीकी साजिश हमारे इखलाक को तबाह करने की। साहब वो जो लिखने वालों ने जो अंजुमन बनाई है ना वो उनका बायकॉट खत्म कर रहे हैं जी। तो रूस की भी शामिल है इस साजिश में है? वो तो फिर होंगे जी। डॉक्टर साहब बेगम साहब आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। मैं जरा मिल के आता हूँ जी। मियाँ साहब जी। मंटो साहब आपकी ठंडा गोश्त पड़ी बहुत लुत्फ आया। लुत्फ आया मियाँ साहब ठंडा गोश्त पड़ के? नहीं वो हमारे कहने का मतलब ये था कि आपकी स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टराइजेशन, क्या किरदार तख्लीक किया आपने, कलवंत कौर, खूंखार और हासिद मिजाज। महरम दिला दे माही मोड़ेगा कद मुहारा, महरम दिला दे माही मोड़ेगा कदम हारा, दिन रात तड़प देने अरमान बेशुमारा। यादा दे खम्बला के आई
अरमान बेशुमारा। मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। उधर एक सुंदर लड़की हुई थी, मैं उसे उठा के नहर के पास जो पटरी है उसकी झाड़ियों के पीछे ले गया। फिर क्या होया? फिर मैंने पत्ता फेंका, लेकिन की वो मरी हुई थी, वो लाश थी, करवट कर है, वो लाश थी। ठंडा गोश्त यानी आप जानना चाहते हैं कि ऐसी हालत में करना क्या चाहिए? मियां साहब, ऐसी जज्बाती हालत में जब ऐसी कैफियत हो और इंसान के जहन पे, या आम जबान में कह लीजिए उसके जमीर पे कोई बोझ हो, कोई जहनी दबाव, उसका तो फिर असर होता है जिस्म पर। क्या बताएं आपको मंटो साहब, बहुत परेशानी है। बेगम तो धोल धप्पे पे आ जाती हैं। आपको एहतियात करनी चाहिए कि ऐसे मौकों पर फिर कोई तेज धार का कोई आला, कोई हथियार वगैरह कमरे में मौजूद नहीं होना चाहिए। एहतियात तो हम करते हैं, मगर वो जूते, सैंडल और वो मक्खी मार वगैरह तो होते ही हैं ना आसपास। मियाँ साहब, एतराफ करना चाहिए, इजहार करना चाहिए, मुनाफ़क़त नहीं, धोखा नहीं देना चाहिए। लीजिए, डॉक्टर साहब आ गए। क्या ख्याल है, इजाज़त लीजिए मियाँ साहब से। जी डॉक्टर साहब, आप ही का इंतज़ार हो रहा। ठीक है मियाँ साहब, बाकी फिर सही। शुक्रिया मंटो साहब, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मियाँ साहब, वो बेगम साहिबा को मैंने नुस्खा दे दिया है, तो आपको दवाइयाँ ज़रूर मंगवा लीजिएगा। इजाज़त। खुदा हाफिज़ मियाँ साहब। एक करारदाद ज़ेर बहस है, इसकी कार्बन कापियाँ आप में तकसीम कर दी गई हैं।
قرارداد میں تجویز کیا گیا ہے کہ گزشتہ کانفرنس میں بعض ادیبوں کے بوائیکاٹ کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اسے واپس لے لیا جائے، اور اس کے علاوہ حکومتی اداروں سے عدم تعاون کا فیصلہ بھی کل عدم قرار دیا جائے۔ گزشتہ فیصلوں کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اہم قراردادیں واپس لینے کی نوبت پیش آ گئی؟ ایسے فیصلوں سے انجمن کی ساتھ اور ترقیاتی کمٹمنٹ مشکوک ہو سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کی طرف سے انجمن پر کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہمارے سرکردہ رہنماؤں پہ سازش کیس چلا کر؟ دیکھیے، ایک بات میں یہاں پر واضح کرتا چلا جاؤں، انجمن یا پارٹی کسی بھی قسم کے دباؤ کے تحت اپنا کیا گیا کوئی بھی فیصلہ واپس نہیں لے گی۔ ہم نے بھی بہت ساری قید و بند کی تکالیف برداشت کی ہیں، انگریزوں کے زمانے میں بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی۔ تو یہ بات آپ، بوائیکاٹ کے فیصلے کا منفی اثر ہوا ہے اور ہمارے مخالفین نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ منٹو کو محمد حسن عسکری جیسے رجت پسند دانشوروں نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ عصمت، قرۃ العین حیدر وغیرہ کے نام بھی متاثرین میں شامل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں وہ سب جدید ادیب جو انسانیت، سماجی انصاف، سامراج سے آزادی پر یقین رکھتے ہیں انہیں ساتھ ملائیں۔ تجویز آپ کی معقول ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ ہمارے وہ ساتھی جو اس قرارداد کی حمایت میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ جناب صدر، میں ایک اور قرارداد پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جی، جناب صدر، آج کل فحش نگاری پر بہت بحث چل رہی ہے اور ہمارے مخالفین کا دعویٰ ہے کہ فحش نگاری ترقی پسندی ہے۔ میری تجویز ہے کہ ہم ایک قرارداد کے ذریعے اعلان کریں کہ ہم فحش نگاری کے خلاف ہیں، تاکہ منٹو اور عصمت جیسے لکھنے والوں پر ہونے والی تنقید میں ہم ملوث نہ ہوں۔ مگر یہ کیسے طے ہوگا کہ کیا فحش ہے اور کیا نہیں؟ ہو سکتا ہے جو آپ کے نزدیک اعلیٰ ادب ہو وہ میرے نزدیک انتہائی فحاشی ہو۔ بس جناب، ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے۔ آپ کی تجویز معقول ہے، مگر میں اس میں چھوٹی سی ترمیم چاہوں گا۔ ہم کہیں کہ ہم فحش نگاری کے خلاف ہیں، مگر لطیف ہوسناکی میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے۔ جی، لطیف ہوسناکی؟ جی، لطیف ہوسناکی۔ اس ترمیم سے قرارداد کا مقصد فوت ہو جائے اور ایک اور بحث شروع ہو جائے گی کہ لطیف ہوسناکی آخر کیا ہے۔ جی، ہم حسرت صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ یہ ترمیم واپس لے لیں۔ دیکھیے، یہ ترمیم بہت ضروری ہے، میں اس پر اصرار کروں۔ اس صورت میں میرا تو یہی خیال ہے کہ اس ترمیم کو اور اس قرارداد کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے۔ منظور ہے؟ کتنا خوش تھا، بہت چہک رہا تھا، سب سے گلے مل رہا تھا۔ اس نے تو اپنا سامان بھی باندھ لیا تھا۔ اس کا چچا آیا تھا ملنے کے لیے، مگر اس نے قاسم کو لے جانے سے انکار کر دیا۔ اسی بات پہ تو اس نے توڑ پھوڑ کی تھی، جو اس کو لے گئے جھٹکے لگانے کے لیے۔ لیکن یہ جھٹکے لگانا تو غلط ہے، ظلم ہے سراسر۔ اگر وہ منٹو ہوتا نا تو وہ ہم پہ یہ سلوک نہ ہونے دیتا، کم از کم آواز ضرور بلند کرتا۔ جب بھی تو اس کو یہاں سے بھیج دیا نا اسپتال والوں نے زبردستی، بغیر علاج معالجے کے۔ وہ ہوتا تو
बिजली के झटके नहीं लगने देता। सुना है यहां से जाने के बाद उसने एक कहानी लिखी हमारे बारे में, टोबा टेक से। कहां है ये टोबा टेक से? अच्छा ये वो यहां नहीं है, वहीं रहे अपने बीवी बच्चों के पास, अपना काम करे लिखाई पढ़ाई का। बाहर दुनिया वाले उसे नहीं समझ सकते, उसे चैन से जीने नहीं देंगे नवाज, उसे सिर्फ हम समझ सकते हैं। खुदा करे वो जहां भी रहे खुश रहे, वो जानता होगा कि हम उसे याद करते हैं। मैं उसे खत लिखूंगा। अच्छा तो एक काम करी ना, तू उसको खत लिखेगा ना तो मेरी तरफ से ना सलाम भी लिखे उसको। तुम ना जाने किस जहां में खो गए हम, हरी दुनिया में तन्हा रह गए। Person I and they go to the two. So that's two more to Zahir. He goes on to 57, 176. And this one's hit hard and high. Middle on, six runs. This one went over the fence. Clearing the ground. What's the score chal raha hai? Pakistan bahut acha khel raha hai. Nazar Mohammad ne 66 kiye hain. Abhi Ghazali aur Maqsood khel rahe hain. भाई अपना हनीफ मोहम्मद जो है वो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन आज जरा जल्दी आउट हो गया। मंटो साहब चाय पीजिए। असर साहब अब खाली चाय पिलाएंगे आप। अच्छा मंटो साहब ये बताएं कि अशोक कुमार के वाकई आपको दोस्त है? बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, हम दोनों इकट्ठे ही रहते थे बहुत अरसे तक। उस जमाने में उसे 80 रुपए महाना मिला करते थे और फिर देखते देखते उसे 250 रुपए मिलने लगे, मगर 250 मिलने पे वो खुश से ज्यादा खौफ ज़दा रहने लगा। और फिर किस्मत का खेल देखे, जब मैं यहाँ वापस आया हूँ उससे पहले उसे एक फिल्म का 80,000 रुपया ऑफर हुआ। 80,000? और वो मुसर था इस बात पे कि 1,00,000 से 1 रुपया कम नहीं लेगा। और एक मजे की बात बताऊं, बहुत अच्छा बॉक्सर है अशोक कुमार। बॉक्सर अशोक कुमार? बड़ी बाकायदगी से कसरत किया करता था, अक्सर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस तो मेरे साथ कर लेता था। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस? मेरी बेगम के हाथ के कीमे के पराठे उसे बड़े पसंद थे। सफिया और शोभा की बहुत दोस्ती हुआ करती थी। शोभा? मिसेस गंगोली। मिसेस गंगोली बीच में कहां से आ गई मंटो साहब? अनवर मियां, अशोक कुमार का असली नाम गंगोली था। इल्मे नुजूम का भी बहुत शौक, समझ बूझ भी थी। एक दिन मेरा जायचा बनाया उसने, और मेरा जायचा बना के कहने लगा कि उसके और मेरे जायचे में एक बात मुश्तरक है, वो ये कि ऐसे जायचे वालों के यहाँ जो पहली औलाद होती है वो पैदाइश के चंद माह बाद ही मर जाती है। मैं हक्का बक्का रह गया। तब तक मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मेरे यहाँ जो पहली औलाद हुई थी मेरा बेटा आरिफ, वो 1 साल बाद ही वापस चला गया जहाँ से आया था। भाई अनवर मियाँ मैच में तो फिलहाल कोई सनसनी नहीं हो रही,
और ताको साहब की है आज सालगिरह। मैं घर जा रहा हूँ, अगर कोई सनसनी खेज बात हो तो मुझे बता जरूर दो। इंजॉय कीजिए। वाजीवा, ताको साहब की सालगिरह का तो बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है। मेरी राय के मुताबिक तो वो अपने आशिकों का दिल नहीं तोड़ती, वो अपने आशिकों को तरसाती है, उन्हें इंतजार कराती है, लेकिन उन्हें मायूस नहीं करती। और ये बात आपको इतनी अच्छी तरह कैसे पता? भाई बहुत तजर्बा है मुझे, खास तौर पे फिल्मी दुनिया का। जी जी, मगर वो बम्बई था, अब बम्बई से निकल आए ये लाहौर है। दो गुब्बारे फट गए भाई, गुब्बारों ने तो फटना ही होता है नुच्ची। हम सब भी तो गुब्बारे ही हैं नुच्ची, हमारे अंदर भी हवा भरी हुई है और फिर एक दिन भक करके वो हवा निकल जाती है और गुब्बारे उसी हवा में घुल मिल जाते हैं जहां उनका जन्म होता है। अम्मी, वो क्यों बुलाया भाई? भाई नुच्छी का तो गुस्सा और इनका नखरा नाक पे धरा रहता है हर वक्त। बड़े मामू, आज मेरी सहेला आप नुच्छी को क्यों प्यार कर रहे हैं? चलो भाई, यहाँ जो है नखरा खत्म नहीं होता और इधर ताको बाबा का हसद खत्म नहीं होता। आ जाओ जी। चलो चलो, बहुत हो गया प्यार व्यार, अब तैयार हो जाओ। चलो चलो चले चले चले। कोई काम वाम तो नहीं रह गया हमें? खुश शक्ल लोग नूर जहां को खासे पसंद है, कुछ सूट वूट पहन लेना। मंटो साहब, वो आएगी? आएगी, उसकी तो शूटिंग चल रही है ना? हाँ, मगर वादा किया है उसने आने का। और शौकत, वो भी आएगा क्या? शौकत नहीं आएगा, शौकत मौके का फायदा उठाएगा। वो क्या जानती है बात? जानते तो दोनों ही हैं। हाँ जी, फोन आया, आ रही है मुझे। क्या कहा था मैंने? चलो भाई, ताको साहब तो बहुत खुश होंगे, खुश तो आप भी नजर आ रहे हैं, मैं तैयारियां देख लूंगा। चलो ठीक है। मैडम आ रही हैं, कैसे मिलाओगे उनसे हाथ? ऐसे भागोगे तो नहीं शर्मा के? पक्का? पक्का। वो तुम्हारे लिए आ रही हैं, और उन्हें थैंक यू भी कहना। कैसे कहोगे थैंक यू? थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। मंटो साहब बड़ी शख्सियत हो गए, पहले अमरीकन आए और आज मैडम नूरजहां आ रही है। मगर हम उसकी कदर नहीं करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। बड़े लोगों के बारे में ऐसी बातें होती रहती हैं और वो आदी हो जाते हैं। मगर मंटो साहब उसके आदी नहीं है। मियां जलाल के बेटे हो ना, क्रिकेट की कमेंट्री भी करते हो? जी। कहाँ है भाई जिसकी दावत में हम आए? सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। चलिए। आ गई नूर जी। मंटो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है पाजी? बिल्कुल ठीक। कैसी है? शुक्रिया। मंटो जी, कैसे हैं आप? वादा किया था मैंने, निभाना तो था। ऐसे आपकी तरह बेवफा नहीं हूं मैं। आप आइए ना। ये जी नुच्छी, दूसरी निकी,
भैया, ये है जी ताको साहब की अम्मा। अच्छा। ताको, ओए ताको। अरे बाबा। नूर जहां। तो ये है ताको मिया, आपने हमें बुलाया है जी। अच्छी लगती हूँ आपको। बहुत। तो शादी करोगे मुझसे? और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैंने अपने शौहर को भी छोड़ दिया, फिर मैं तो अकेली रह जाऊंगी। तो फिर करोगे ना शादी मुझसे? पक्का? नूरजहां के चाहने वालों की कतार बहुत लंबी है, लेकिन ताको आज सबसे बाजी ले गया। ताको वहां पहुंच गया जहां पहुंचने की हसरत बहुत से नौजवान और ज़ईफ उल-उम्र शाक के दिलों में घुटी ही रह जाती है। अगर ये मंजर आज शौकत हुसैन रिजवी देख ले तो जल भुन कर कबाब हो जाए। मैं मंटो।